हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कैजुअल इनकम के बारे में। कैजुअल इनकम क्या होता है, कैजुअल इनकम का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, आईटीआर में हम इसे कहां शो करते हैं, कितना टीडीएस डिडक्ट होता है, इस इनकम के लिए हम कोई डिडक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, एंड सबसे कॉमन डाउट कि इस इनकम पे जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका हम रिफंड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, अगर रिफंड ले सकते हैं तो कितना रिफंड ले सकते हैं। तो इस कैजुअल इनकम के बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड कर दूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टैक्स से अपडेटेड रह सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कैजुअल इनकम के बारे में अगर हम जाने तो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आप किसी भी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कोई भी कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग, इन सब चीजों से कोई भी अमाउंट आप जीतते हैं तो उस इनकम को हम कैजुअल इनकम कहते हैं। ये इनकम अनसर्टेन होता है, अनप्लान्ड होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। एग्जाम्पल ले तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रीम इलेवन हो गया, केबीसी हो गया, इन सबसे अगर आप कोई भी अमाउंट जीतते हैं तो वो इनकम कैजुअल इनकम में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम टैक्सेबिलिटी की बात करें तो कैजुअल इनकम को हम इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शो करते हैं। ये इनकम आपको कैश में भी मिल सकता है, काइंड में भी मिल सकता है। अगर काइंड में मिलता है तो हम जो मार्केट वैल्यू होता है उस काइंड का, वो मार्केट वैल्यू कंसिडर करते हैं। वैल्यू मतलब कैजुअल इनकम कितना हुआ वो मार्केट वैल्यू डिसाइड करता है अगर हमें काइंड में मिलता है तो। ये इनकम पे टैक्स जो है वो फ्लैट 30% से लगता है अंडर सेक्शन 115BB एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है 4%। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 30% प्लस 4% ऑफ 30% तो आता है 31.2%। दैट मीन्स 31.2% टैक्स लगता है इस इनकम पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिडक्शंस की तो कोई भी एक्सपेंडिचर या फिर कोई भी अलाउंस आप नहीं ले सकते। यहां पे दिया है नो एक्सपेंडिचर एंड नो अलाउंस कैन बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम। और अगर हम डिडक्शन की बात करें, एक्सपेंडिचर तो हम नहीं ले सकते, डिडक्शन की बात करें तो सेक्शन 80C, 80D जो बहुत कॉमन डिडक्शंस होते हैं वो डिडक्शंस भी हम यहां पे ले नहीं सकते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है इनकम टैक्स लैब रेट का, हम वो भी नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारा 2.5 लाख इनकम है तो भी जो टीडीएस है या फिर जो हमारा टैक्स का अमाउंट है जो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा वो फ्लैट 31.2% आएगा ही आएगा, भले ही हमारा इनकम या फिर हमारा विनिंग जो है सिर्फ 2.5 लाख है, उसके अलावा हमारे पास कोई इनकम नहीं है, फिर भी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मिस्टर राहुल जो है उनको प्राइज मिला है, मतलब प्राइज जीता है उन्होंने 3 लाख का गेम शो में, एंड सेकेंडली उनका इंटरेस्ट इनकम है 5 लाख पर एनम। अभी टैक्सेबिलिटी की अगर बात हम देखें, जो 3 लाख उन्होंने जीता है गेम शो से उस पर फ्लैट 31.2% टैक्स आएगा ही आएगा। एंड सेकेंडली जो 5 लाख का इनकम है उस पर आप डिडक्शंस ले सकते हैं, जो भी डिडक्शंस आपके पास है वो क्लेम कर सकते हैं और स्लैब रेट के बेसिस पे उस 5 लाख पे आपका टैक्स आएगा। आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम टीडीएस की बात करें तो टीडीएस में अगर जो हमें पे करता है, दैट मीन्स हमने जीता है और सामने वाली पार्टी हमें पे कर रही है, तो सामने वाली पार्टी अगर हमें पे कर रही है और वो प्राइज मनी 10,000 से ज्यादा है तो सामने वाली पार्टी जो है वो टीडीएस डिडक्ट करेगी कितने रेट से, 31.2% के रेट से। कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन हो जाता है 194B। और टीडीएस जो है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिसीवर्स इनकम आएगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया, आपका इनकम हो चाहे ना हो टीडीएस 31.2% से ही कटेगा। एंड सबसे लास्ट रिफंड की अगर हम बात करें तो रिफंड आप अप टू 12.5 मतलब 12,500 तक का ले सकते हैं अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख है। हम जब आईटीआर भरने जाते हैं तो हमको रिबेट मिलता है 12,500 तक का। तो अगर हमारा इनकम, टोटल इनकम अप टू 5 लाख है, विनिंग मिला के हमारा टोटल इनकम अप टू 5 लाख है तो हमें रिबेट मिलता है 12,500 का। तो हमारा जो टीडीएस कट हुआ है उसमें अगर वो 12,500 से ज्यादा है तो हमें 12,500 तक का रिबेट मिल सकता है। दैट मीन्स 12,500 तक का रिफंड हम क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कैजुअल इनकम समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, हम आईटीआर में कहाँ शो करते हैं, कितना टीडीएस होता है, हम रिफंड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, एंड सेकेंडली हम कुछ एक्सपेंसेस या फिर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी।
फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड कर दूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको ITR अपलोड करना है, ITR 1, ITR 4, आई बटन पे यहाँ पे लिंक कर दिया है मैंने, आप ITR देख के अपलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।